वेलकम दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करें कि आप Realme 10 Pro Plus 5G मोबाइल में दोस्तों आप गेस्चर नेविगेशन कैसे सेट करेंगे अपने मोबाइल में, या दोस्तों आप फुल डिस्प्ले यूज कर रहे हैं, यूज करना चाहते हैं तो कैसे आप अपने मोबाइल की फुल डिस्प्ले कर पाएंगे और बटन कैसे हाइड कर सकते हैं। और दोस्तों आपको साथ ही साथ बताऊंगा कि आप गेस्चर नेविगेशन कैसे यूज करेंगे। तो आपको करना है कि अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है, और जैसे ही मोबाइल की सेटिंग को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों आपको सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन। तो आपको करना क्या है, सिस्टम सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही सिस्टम सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन ऊपर ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। और जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको गेस्चर देखने को मिलेगा और बटन्स का ऑप्शन। तो आपको करना क्या है, गेस्चर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है डू नॉट रिमाइंड मी और लर्न पे क्लिक कर देंगे। और जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों इसको कैसे यूज करते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे देख रहे हैं कैसे यूज करना है इसको, यहाँ इस तरह से स्लाइड करते हैं तो आपका बैक आ जाएगा। और दोस्तों इस तरह से स्लाइड करेंगे तो आपका बैक आ जाएगा, और दोस्तों आप ऊपर से नीचे की ओर स्लाइड करते हैं तो आपका होम स्क्रीन पे आ जाएगा, स्विप टू फ्रॉम द बटन। तो दोस्तों आप इस तरह से करेंगे तो आपका दोस्तों बैक आ जाता है, दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सर। दोस्तों इस तरह से आप अपने मोबाइल में आसान तरीके से स्विप गेस्चर नेविगेशन सेट कर पाएंगे। आई होप वीडियो सजेशन कर मिली, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक। बाय बाय, टेक केयर।